यहाँ पे हमारी लाइफ है और लाइफ में हमारे होते हैं 24 घंटे 24 आवर्स. सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास 23 भी है, किसी के पास 23 है, सबके पास 24 घंटे. नाउ 24 आवर्स. अब 24 आवर्स में आपका स्लीपिंग है, आपका ईटिंग है, आपका विजिटिंग है और आपकी रीडिंग है. स्लीपिंग में मजा, ईटिंग में नशा, विजिटिंग में भी मजा और रीडिंग में सजा. जब आप खाना खाते हो तो आपकी मजा आती है क्योंकि अलग अलग स्वाद के खाना भोजन मिलता है आपको. जब आप कहीं मेहमान और रिश्तेदारी में जाते हो तो आपको वहाँ पे नमकीन बिस्किट मिठाई अंडा उबला हुआ मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आती है. और जब सोते हो तो एक सोने का नशा होता है, सोने में मज़ा आती है, लेकिन जब आपकी पढ़ने की बात आती है तो सज़ा हो जाती है. माई डियर फ्रेंड्स, इसीलिए दिक्कत होती है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर यू. जब आपको पढ़ने में मज़ा और नशा आने लगेगा तभी आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच पाओगे, और जब तक जो है रिश्तेदारों में घूमने में मज़ा आएगा तब तक दिक्कत हो जाएगी. क्योंकि खासकर ये लड़कियों के लिए एग्जांपल है, लड़की बनना चाहती है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहती है, यहाँ पे ये लड़की खड़ी हुई है, गर्ल इज देयर. अब ये यहाँ इसका टारगेट है, ये इसका ड्रीम है, सपना है. यहाँ से रिश्तेदार बहुत सारे खड़े हुए हैं, कहते हैं कि भैया लड़की इज यंग, गेट मैरिड सून, जवान हो गई जल्दी शादी कर दो इसकी. ये अक्सर बातें आती हैं लड़कियों के लिए, लड़की जवान हो गई जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो. लड़की का यहाँ सपना है रिश्तेदार को ऐसी ताकते रहने दो और अपने सपने तक पहुँच जाओ, फिर शादी करो. ऑलराइट, गेटिंग द पॉइंट्स, अंडरस्टैंडिंग इट, एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन? नो. इसलिए ये चीज़ें समझना जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, राइट? देर विल बी फिंगर्स, देर विल बी पॉइंटिंग फिंगर्स, देर विल बी क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं होंगी, दिक्कतें होंगी और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपका जो डिटर्मिनेशन होता है, जो आप ठान लेते हो, वह मान लेते हो, वही आप बन जाते हो, राइट? इसलिए आपको ये चीज समझना होगा. कहते हैं ना, तेरे सर में दर्द होगा, तेरे पैर में दर्द होगा, तेरा साहस ही सबसे बड़ा हमदर्द होगा, न जाने तू कब कौन और क्या होगा, लेकिन जो भी होगा अपने दम पर होगा. एनी प्रॉब्लम? जो भी बनोगे अपने दम पे बनोगे, ना कि चच्चा दरोगा है तो उनकी वजह से बन जाओगे, राइट? सो यू हैव टू बिकम योर सेल्फ. द सेकेंड पॉइंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू माई डियर फ्रेंड्स टूडे हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट. सबसे पहले देखो, यहां पे घास है और यहां पे घास है, ग्रास, और यहां पे भी ग्रास है. यहां एक सीकड़ में, एक रस्सी में दो कुत्ते बंधे हुए हैं, दो कुत्ते, दो डॉग्स, या दो कुत्ते के साथ साथ बकरी कह लो, बकरियां बंधी हुई है. अब ये सीकड़ जो है इतनी तक आ रही है, ये कुत्ता इधर भाग रहा है खाने के लिए, ये कुत्ता इधर भाग रहा है खाने के लिए, बकरी समझ लो भाग रही है, और दोनों यहां तक पहुंच रहे हैं, घास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर जोर लगा रहे हैं, फिर यहां तक पहुंच रहे हैं, ये यहां तक पहुंच रहा है, घास तक नहीं पहुंच पा रहा है. फिर जोर लगा रहे हैं, यहां तक पहुंच रहे हैं, फिर यहां तक पहुंच रहे हैं, तब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं. फिर यहां पे दोनों जो आके मिलते हैं और दोनों बात करते हैं कि हमें तो घास खाना है, लेकिन अगर इस तरह से कोशिश करेंगे तो नहीं खा पाएंगे. एक काम करते हैं, दोनों लोग मिलके पहले इस घास को खाते हैं, फिर दोनों लोग मिलके उस घास को खाते हैं, दोनों लोग खा लेंगे. फिर वही काम करते हैं कि दोनों लोग जाते हैं, ये घास को खाते हैं, फिर दोनों लोग आते हैं, ये घास को खाते हैं. जिंदगी में अगर एकता रहेगी तो काम हो जाएगा, बिना एकता के काम नहीं. राइट द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? तो इसलिए मिलजुल के काम करो. मिलजुल के जब काम करोगे, जब मोहब्बत से काम करोगे, जब सबसे मिल के काम करोगे, देन इट विल इम्पैक्ट यू, इट विल बूस्ट यू, इट विल गिव यू एनर्जी एंड स्ट्रेंथन योर पावर एंड गिव यू सो मच कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ, राइट? आपको बहुत ज्यादा ये ताकत देगा. गेटिंग द पॉइंट्स? बात आ रही समझ में? तो क्या करना है? एकता, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज पावर, एकता में बल होता है. ऑलराइट, ओके. डू यू वांट टू नोट एनीथिंग? कुछ नोट आउट नहीं करना है, दिमाग में फिट हो गया? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम, ओके. छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चले. चलो, कैन आई इरेज दिस? मिटा दें. सो हियर ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. बाय द वे माय फ्रेंड्स, whenever you start something, whenever you tell something, whenever you do something, आप एक चीज़ को समझिएगा, जब भी आप कुछ नया करने की चाहोगे, जब भी कुछ नया करोगे, तब दिक्कतें आएंगे. जैसे आप मान लो, अभी मान लो किसी गांव में डांस नहीं होता है, आप जैसे डांस करोगे ना, लोग उंगली उठाने लगेंगे, अरे आपकी लड़कियां डांस कर रही है, अरे आपका लड़का नचनिया बन गया है. दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा आलोचनाएं होंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब आप मुकाम पे पहुंच जाते हो, एक अच्छे डांसर बन जाते हो, वही लोग सलाम करते हैं कि अच्छा डांसर बना, राइट?
इसलिए ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट एंड योर इमोशन, ठीक है। रिश्तेदार बाद में आपके साथ होते हैं, पहले आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी रूह, आपका दिल, आपका दिमाग आपके साथ होता है। इसलिए वही काम करो जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मैं अपनी पसंद से आया हूँ, मैं प्रेशर में नहीं आया हूँ, पसंद में आया हूँ। तो पसंद से आया हूँ तभी तो इतना अच्छा बोल रहा हूँ, वैसे मैं टैलेंटेड हूँ। ऑलराइट, चलो ओके। नाउ द पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, पिक्चराइज करना चाहूँगा कि यहाँ आपका जो है टारगेट है, लक्ष्य। आप कुछ भी वकील बनना चाहते हो, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, यहाँ आपका टारगेट। यहाँ जो कुछ लोग खड़े हुए हैं, रामू काका, हाँ ये चाचा, वो चाचा, सब खड़े हुए हैं, और यहाँ से आप निकले हो और यहाँ आप पहुँचे। ये तीनों लोग को लग रहा है लाइन सीधी है, टारगेट पे कभी भी आदमी पहुंच सकता है, पॉलिटेक्निक करके कोई भी इंजीनियर बन सकता है, मैं क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये वो। और लेकिन ये जो आदमी गया है उसकी रेखा जो है टेढ़ी है, उसके पैरों से ये खून गिर रहा है। जो आदमी मंजिल पे पहुंचता है उसके पैर में बहुत कांटे चुभते हैं, देखने वाले को लगता है मंजिल सीधी है लेकिन सीधी होती नहीं है। राइट, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट यू दैट लाइफ इज ऑलवेज डिफिकल्ट। लाइफ देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल बी क्रिटिसिज्म, देयर विल बी प्रॉब्लम्स, देयर विल बी क्राइसिस, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ। बट इफ यू फेस ऑल द चैलेंजेस विद योर डिजायर, विद योर करेज एंड विदाउट फियर, यू कैन अचीव व्हाट यू वांट एंड यू कैन रीच टू योर डेस्टिनेशन। नोबडी कैन स्टॉप यू इन योर लाइफ। Yes. All right. Yes. Nobody can stop you in your life, right? Yes. Getting the point? तो कोई नहीं रोक सकता, हाँ? है कि नहीं? क्या नाम है आपका? My name is Chandan. Your name is Chandan. Yes. तो चंदन की लकड़ी 8,000 रुपये किलो बिक रही है आजकल? बिक रही है ना? चंदन मतलब बहुत महंगी लकड़ी आती है। एक बार मैं पढ़ा था पेपर